अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक सिलॉजिज्म से। अभी तक मुझे लगता है हमने मैक्सिमम पोर्शन सिलॉजिज्म्स का ख़त्म कर चुके हैं हम। तो सम नॉट भी हमारा हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, पॉसिबिलिटी भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, और कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए। तो अब जो एक चीज़ रहती है इसमें वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जाम्स में देखा जाता है। जेके बैंक की बात करें या बाकी एग्जाम्स की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो वही आज हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम किन किस तरह के कंक्लूजन्स को बोलते हैं। और एक पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मीन्स मिनिमम दो कन्फ्यूजन्स होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ही पेयर है मीन्स टू। तो मिनिमम दो कन्फ्यूजन्स होने चाहिए जिन दो को मिला के हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलेंगे। तो किन दो, वैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन ऐसे हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोला जाता है, यहाँ पर मैं अभी दो दिखाऊंगा। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसा होगा। सपोज सम ए आर बी नो ए इज बी, और दूसरा सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ये हमारा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कैसे याद रहेगा, एक चीज दिमाग में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा तब होगा। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टिंग है, या इन अ सेंस में बोल सकता हूँ, जो ये कह रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है। उसी तरह ये भी देखो, जो ये कह रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और यहाँ पे कह रहा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आज पहले पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं, सम ए आर बी नो ए इज बी। ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखना है इसमें हमें कि हम कब बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो एक चीज जो भी मेरे पिछले लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि जब दो तरह की डायग्राम्स होती है, एक बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। तो हम बेसिक डायग्राम तो बना लेते हैं, और पॉसिबल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं डिपेंड करता है कंक्लूजन क्या है। तो एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, मैं किस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिसकी बात कर रहा हूँ वो है सम ए आर बी और नो ए इज बी। जब भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखना हो, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये चीज कह रहा हूँ, वहां पे तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में रखना है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं। अब पहले तो दिमाग में आएगा नहीं, जब भी तुम सिलॉजिज्म्स का वहां क्वेश्चन देखोगे, मैं डायरेक्टली, अगर मैं भी कर रहा हूँ, मैं देखूंगा सम ए आर बी, मैं डायरेक्टली पहले यही देखने जाऊंगा अपनी डायग्राम में कि ये सही है कि गलत, फिर जाऊंगा नो ए इज बी, फिर ये देखने जाऊंगा, मतलब मैं इंडिविजुअली देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, सबसे पहले जब भी सिलॉजिज्म से क्वेश्चन का अप्रोच करोगे, सबसे पहले देखना ऐसा कुछ तो नहीं है, पहले में सम ए आर बी है, दूसरे में नो ए इज बी है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो सम से स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ हमें पहला कंक्लूजन देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नो से। क्यों, जब भी ऐसा कुछ होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है। ठीक है, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकला उसके बाद तुम इंडिविजुअली इसको चेक करो, उसका कोई फायदा है नहीं। तो हम डायरेक्टली, अगर ऐसा कुछ देखने को मिला हमें कंक्लूजन में, हम डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे, नो ए इज बी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सम वाले से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट ने, नो ए इज बी ने हमें कुछ चीजें, इस स्टेटमेंट ने कुछ चीजें सेटिस्फाई की, तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है बिना सम ए आर बी देखे। ठीक है, लेकिन अगर इसने वो चीज सेटिस्फाई नहीं की जो मैं बताऊंगा, तो तब हम क्या करेंगे, फिर इसको भी हम इंडिविजुअली देखेंगे, इसको भी हम इंडिविजुअली देखेंगे, फिर इंडिविजुअल कंक्लूजन देंगे, तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा। देखो मेरे कहने का क्या मतलब है,
तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ देखने को मिला, हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, नो स्टेटमेंट पे जाएंगे, नो एएसबी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पहले अपनी बेसिक डायग्राम देखेंगे, वहां पे देखेंगे क्या ये कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। अगर वहां पे सेटिस्फाई हो गया, अगर मेरी बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, उसके बाद हम पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। मैंने पॉसिबल डायग्राम भी बताया कैसे बनाते हैं। अगर नो ए इज बी का पॉसिबल डायग्राम बनाना है तो मैं ए और बी को मिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर वहां पे पॉसिबल डायग्राम एग्जिस्ट नहीं हो पाता, अगर पॉसिबल डायग्राम में ये कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होता या फॉलो नहीं होता है, तभी मैं बताऊंगा कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अच्छे से दिमाग में रखो मैंने क्या बोला, बेसिक डायग्राम में नो वाला कंक्लूजन फॉलो होना चाहिए, लेकिन मेरे पॉसिबल डायग्राम में नो कंक्लूजन फॉलो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे सम भी सम वाला कंक्लूजन देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे बेसिक डायग्राम में ही, अगर मेरे बेसिक डायग्राम में ही नो वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ, बेसिक डायग्राम में ही नो वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ, तब मैं क्या करूंगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा। इंडिविजुअली पहले ये भी चेक करूंगा, इंडिविजुअली फिर ये भी चेक करूंगा, फिर देखूंगा कंक्लूजन वन फॉलो होता है, कंक्लूजन टू फॉलो होता है, कौन सा होता है, दोनों फॉलो होते हैं, दोनों नहीं फॉलो होते हैं, वो तब देखा जाएगा। लेकिन फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा कि आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। या अगर ऐसा हुआ, बेसिक डायग्राम में फॉलो हो गया, बेसिक डायग्राम में फॉलो हो गया, लेकिन जो मेरा पॉसिबल डायग्राम है उसमें भी फॉलो हो गया, ठीक, उसमें भी क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तब भी फिर हमें इंडिविजुअली ऊपर वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखो, अगर बेसिक में भी फॉलो हो गया, पॉसिबल में भी फॉलो हो गया, उसका मतलब है नो कंक्लूजन फॉलो हो जाता है, तो दैट मीन्स ये वाला कंक्लूजन तो फॉलो होगा ही होगा, ऊपर वाला तुम्हें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट, बेसिक डायग्राम में फॉलो होना चाहिए, पॉसिबल डायग्राम में फॉलो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ मैं तब बोलूंगा कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, समझो मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऐसी कोई डायग्राम हो सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होंगे, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, ऑल डी आर ई, नो ई इज एफ। किस किस के बीच में नो है, जिन दो के बीच में मैंने लाइन डाली, ई और एफ के बीच में नो है, ठीक है। तो मैं पहला कंक्लूजन ले लेता हूं, मेरे को जो पहले कंक्लूजन वहां पे दिया गया है वो है सम एफ आर ए और नो एफ इज ए, ठीक है। पहला सेट ऑफ कंक्लूजन मेरा ये है। तो क्या करूंगा मैं, जब मैंने देखा सम एफ आर ए, ठीक है, तो दूसरा देखा नो एफ इज ए, मुझे पता चला ये वाला जो पेयर ऐसा वाला होता है ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं है, हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सम एफ आर ए देखूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली कौन सा वाला स्टेटमेंट देखूंगा, नो एफ इज ए, ठीक। नो एफ इज ए में क्या करूंगा, दो डायग्राम्स होंगी, एक मेरी बेसिक डायग्राम होगी, एक मेरी पॉसिबल डायग्राम होगी, ठीक है। अब मैं पहले बेसिक डायग्राम देख लेता हूं। देखो बेसिक डायग्राम में क्या है, एफ और ए में कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, तो क्या हुआ, नो एफ इज ए मेरे बेसिक डायग्राम में सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। अब मैं पॉसिबल डायग्राम बनाता हूँ, पॉसिबल डायग्राम क्या होती है, जब भी इसकी पॉसिबल डायग्राम बनानी होगी तो एफ नो एफ इज ए में एफ और ए को मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, मीन्स मैं एफ को यहां से हटा के मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एफ को डाल दूंगा, ठीक है। अब जब मैंने एफ को यहां पे डाल दिया तो नो एफ इज ए, लेकिन एफ ए के साथ मिल गया, एफ इज ए प्लस दूसरी चीज, मुझे एक स्टेटमेंट देखना है कि वो मैंने वायलेट तो नहीं किया, स्टेटमेंट था एफ ई नहीं हो सकता, और अगर मैंने एफ को ए के साथ बनाया, अभी भी एफ और ई के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, नो एफ इज ई या नो ई इज एफ अभी भी फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन नो एफ इज ए मेरा पॉसिबल डायग्राम में फॉलो नहीं हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम बेसिक डायग्राम में फॉलो हुआ, पॉसिबल डायग्राम में फॉलो नहीं हुआ, और स्टेटमेंट्स क्या है, सम एफ आर ए, नो एफ इज ए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगला कर लेते हैं, इसी डायग्राम में आगे कुछ कर लेते हैं, दूसरा मान लो, अब मेरे पास जो दिया गया है वो है सम एफ आर बी नो एफ
इज बी, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं, अब सम एफ आर बी, नो एफ इज बी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, देखते हैं कि नहीं। पहले बेसिक हम डायरेक्टली किस से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। बेसिक डायग्राम में नो एफ इज बी, एफ और बी पर कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स बेसिक डायग्राम में फॉलो हो रहा है, ठीक। अब देख लेते हैं मेरी पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम में मुझे एफ और बी की बात हो रही है, तो एफ को मैं बी के पास लाता हूँ, ठीक है। अब देखो नो एफ इज बी, हमें एक स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए कि नो ई इज एफ, अभी भी ई और एफ में कोई भी आपस में इंटरेक्शन या कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट नो एफ इज बी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एफ बी मैं बना सकता हूँ अपनी पॉसिबल डायग्राम में, दैट मीन्स पॉसिबल डायग्राम में ये फॉलो नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरा ये भी है, ठीक है। तुम देखो जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सम एफ आर बी देख ही नहीं रहा हूँ, मैं खाली नो पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इसे बहुत इजी होगा, हमें वो वाला स्टेटमेंट देखना ही नहीं पड़ रहा है इस ट्रिक से, ठीक है। अब हम तीसरा कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं। अब मेरे को बोला गया है सम एफ आर सी, नो एफ इज सी, ठीक। अब क्या देखते हैं, आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं, ठीक है। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसा कुछ दिख रहा था, तो डायरेक्टली मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं नो से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं नो से स्टार्ट करूंगा बेसिक डायग्राम में पहले देखेंगे नो एफ एस सी, एफ यहाँ है सी है, जो मेरी बेसिक डायग्राम है वहां पे फॉलो हो जाता है। अब मैं अपनी पॉसिबल डायग्राम देखूंगा, जो मेरी पॉसिबल डायग्राम है उसमें क्या मुझे करना पड़ेगा, एफ और सी को आपस में मिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मान लो मैंने एफ और सी को मिलाया, ठीक है, मेरा एफ है, लेकिन जब मैंने एफ और सी को मिलाया तो क्या हुआ, सी किसका पार्ट है, सी ई डी का पार्ट है, डी ई का पार्ट है, दैट मीन्स सी किसका पार्ट है, सी ई का पार्ट है, लेकिन नो ई इज एफ, लेकिन अगर मैंने एफ सी के साथ मिलाया तो एफ और ई आपस में मिल जाएंगे, दैट मीन्स जो मेरा पॉसिबल डायग्राम है उसमें भी ये फॉलो हुआ, क्योंकि उसमें भी मैं ये प्रूव नहीं, ये नहीं बना सकता कि सम ई आर एफ, ये सॉरी सम सी आर एफ, मैं ऐसा नहीं बना सकता, तो मेरा बेसिक डायग्राम में भी फॉलो हुआ, पॉसिबल डायग्राम में भी फॉलो हुआ, दैट मीन्स ये मेरा अब जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये चीज नहीं होगी, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हम अच्छे से देखते हैं क्या करते हैं। बेसिक डायग्राम में भी नो फॉलो हुआ, पॉसिबल डायग्राम में भी नो फॉलो हुआ, दैट मीन्स जो मेरा नो कंक्लूजन है ये फॉलो होगा ही होगा, इंडिविजुअली ये फॉलो होगा ही होगा। सम एफ आर सी, सम एफ आर सी, ठीक है, ये मैं वापस हटाता हूँ, मेरी पॉसिबल डायग्राम थी। अब अगर मैं देखता हूँ सम एफ आर सी, लेकिन तुम देखो सम एफ आर नॉट सी, एफ और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाला मेरा कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। तो ये मेरा दिख तो रहा था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, लेकिन निकला नहीं, क्यों, बेसिक डायग्राम में ही फॉलो हुआ नो वाला, और पॉसिबल डायग्राम में ही फॉलो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे को दिया है सम एफ आर डी, नो एफ इज डी, ठीक, कर लेते हैं। दिख रहा है ये जो पेयर है दो स्टेटमेंट्स का, एक कॉम्प्लीमेंट्री, दो कंक्लूजन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, नो से स्टार्ट करेंगे। नो एफ इज डी, बेसिक डायग्राम में क्या है, एफ और डी में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन बेसिक डायग्राम में फॉलो हो रहा है। पॉसिबल डायग्राम में क्या हो रहा है, पॉसिबल डायग्राम में मैं एफ को उठा के डी के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब वो डी से मिलेगा वो ई के साथ भी मिलेगा, दैट मीन्स मैं पॉसिबल डायग्राम भी नहीं बना सकता, और जब मैं पॉसिबल डायग्राम नो एफ एस डी की नहीं बना सकता, दैट मीन्स नो वाला कंक्लूजन उधर भी फॉलो हो गया, दैट मीन्स पॉसिबल डायग्राम में भी फॉलो हुआ, ठीक है, दैट मीन्स नो कंक्लूजन मेरा फॉलो हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए यहाँ टिक आना चाहिए था, यहाँ क्रॉस आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया, दैट मीन नो कंक्लूजन मेरा फॉलो हुआ ही हुआ। उसके बाद सम एफ आर डी, सम एफ आर डी ऐसा नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ, दैट मीन्स ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक है। बहुत ईजी है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, बस ये चीज दिमाग में रखनी है, हम नो से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, नो से स्टार्ट करने के बाद पॉसिबल डायग्राम, बेसिक डायग्राम इन दो को देखेंगे, बेसिक डायग्राम में कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, पॉसिबल डायग्राम में कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, उसके बाद जब भी ऐसा होगा मैं बोलूंगा डायरेक्टली मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, फिर सम वाला स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करो, इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, खुदा हाफिज़।